वो दो काम करती है एक अपने कस्टमर्स को वो बिल्डिंग मटेरियल सेल करती है और अपने क्लाइंट्स को वो कंस्ट्रक्शन करके देती है इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल भी हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर प्रोवाइडिंग गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू आर कस्टमर्स और जब भी इस तरह की कोई कंपनी होती है तो उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स ने उसको पेमेंट्स करनी होती जब भी आप किसी दुकान पे माल पे स्टोर पे जाते हैं या पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको पता है कि आप फौरन ये काम करने के बाद उसकी पेमेंट करते हैं बल्कि बाद जगह तो ऐसा होता है कि आप पेमेंट पहले करते हैं और उसके बाद आपको सर्विस दी जाती है लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेस हैं जिसमें पेमेंट या अदायगी आपको बाद में होती है भले आप उसमें उन लोगों को कोई मटेरियल सप्लाई कर रहे हों या कोई सर्विसेज़ दे रहे हों और तौर पे ये पेमेंट आपको किसी इंस्पेक्शन या पीरियड के बाद होती है जिसमें आपने उनको किसी किस्म की वारंटी वग़ैरह दी हो हमारे केस में भी ऐसे ही होता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो आपको पेमेंट मुसलसल नहीं मिल रही होती कंस्ट्रक्शन के वक्त हमने माइल या वो स्टेप्स रखे होते हैं जिसके ऊपर हमें पेमेंट मिलेगी और उस वक्त तक हमें सारे खर्चे बर्दाश्त करने होते हैं मिसाल के तौर पे हमें पेमेंट मिलेगी जब घर की छत पड़ जाएगी जब तक छत ना पड़े आपने सारे खर्चे खुद उठाने और जैसे ही आपकी छत पड़ जाए तो आपको तमाम अखराजात जो आपने अपने मटीरियल और अपनी लेबर के ऊपर लगाया है वो सारा का सारा आप इनॉइस करके अपने कस्टमर से क्लेम करते हैं ये तमाम तरीक़ार जहां हम किसी भी कस्टमर या क्लाइंट से पेमेंट वसूल करने के लिए उसे इनस करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने उसे सर्विसेज दे दी हैं अब वो हमें इसकी पेमेंट करेगा इसको हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल जैसे कि इस इन दो अल्फाज से ही आपको वाजे हो गया होगा कि ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है और रिसीवेबल वो है कि वो पैसे जो आपको आने हैं विच आर रिसीवेबल बाय यू ड्यू टू सम गुड्स दैट यू हैव सप्लाई टू योर कस्टमर्स और द सर्विसेज दैट इज़ प्रोवाइडेड टू योर क्लाइंट्स जो भी आपने सर्विस या गुड्स अपने कस्टमर को दी है उसके अवश जो भी आपको पैसे आने हैं दे आर क्लासीफाइड एज अकाउंट्स रिसीवेबल और आप इसकी डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि मनी ओ टू यू ड्यू टू योर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और गुड्स टू योर कस्टमर्स इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल. जो भी पैसे आपने अपने क्लाइंट या कस्टमर से लेने हैं उस सर्विस या उस गुड्स के अगेंस्ट जो आपने उसे दे दी हैं वो आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं याद रहे कि जब भी हम अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं ये पैसे हमें फ्यूचर में मिलने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नहीं इसकी डेफिनेशन हम पेमेंट टर्म्स में पहले ही कर चुके होते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि गैर इरादी तौर पे भी और किसी भी और वजह से बाज़ पैसे हमें नहीं मिल पाते ऐसे पैसों को या ऐसी जो अकाउंट रिसीवेबल को जो हमें नहीं मिल पाते हम उनको टर्म देते हैं बैड डेट बैड डेट क्या है बैड डेट वो पैसा है जो हमने किसी से क्लेम किया किसी से मांगा लेकिन किसी भी वजह से वो हमें ये पेमेंट नहीं कर पाया ये वजह क्या हो सकती है ये वजह ये हो सकती है कि जो हमारा कस्टमर था ये क्लाइंट था वो बैंक में चला गया अब उसके पास पैसे ही नहीं है देने के जब पैसे आएंगे तब वो अदा करेगा हो सकता है वहाँ काम रुक गया है फ़ंड्स शॉर्टेज की वजह से फंड शॉर्टेज की वजह से अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे हो सकता है कि हमारा उसका कोई डिस्प्यूट चल रहा हो जिसके बुनियाद पर वो हमें पेमेंट नहीं कर रहा ये बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जिसमें हमारा पैसा कहीं ना कहीं फंस सकता है लेकिन याद रहे कि हमें पूरी कोशिश करनी होती है कि बैड डेट कम से कम रहे क्योंकि कोई भी बिज़नेस जो अपनी सर्विसेज या गुड्स किसी और को फ्राहम करता है वो एक्सपेक्ट करता है नेचुरल उसकी एक्सपेक्टेशन है कि उसको उसकी पेमेंट मिलेगी लेकिन दफ़ा ये हो सकता है कि आपको वो पेमेंट ना मिले जब भी हमारे पास पैसे आते हैं ये हमारे करंट एसेट में अकाउंट रिसीवेबल में जाते हैं और उस क्लाइंट या जो भी हमारा कस्टमर है उसकी तरफ वाज़िबल अदा हो जाते हैं और जब भी वो हमें ये पेमेंट कर देता है तो ये पैसे हमारे सेल्स में और हमारी कैश में या बैंक में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं आइए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल कि ये होता कैसे एक कंपनी को हमने अपना माल बेचा और हमने उसे दस हज़ार रुपये का सामान और सर्विसेज दिए हैं उसके साथ जो हमारी पेमेंट टर्म्स हैं वो ये है कि तीस दिन के अंदर अंदर वो हमारी पेमेंट कर देगा जब भी ये पेमेंट हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो हम इसको अकाउंट रिसीवेबल में अकाउंट फॉर करेंगे और दूसरा पार्ट हम इसका सेल्स रेवेन्यू में अकाउंट फॉर करेंगे इसका मतलब ये है कि ये पैसे हमारे पास अभी आए नहीं लेकिन वी एक्सपेक्ट दैट वी विल बी रिसीविंग दिस पेमेंट फ्रॉम आर क्लाइंट और कस्टमर वेरी सुन जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ट्रांजेक्शन की जो अकाउंटिंग एंट्री हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे वो कुछ इस तरीके से इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारी अकाउंटिंग एंट्री के तीन पार्ट्स हैं एक नोमरिक दूसरा डिस्क्रिप्टिव और तीसरा डेबिट या क्रेडिट आपको याद होगा कि जब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट पढ़ा था तो हमें पता चला था कि चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल अकाउंटिंग एंड ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स विच वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड तो ये जो आपको कोड इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है सबसे पहला पार्ट दैट इज चार्ट ऑफ अकाउंट कोड और ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है दिस इज डिस्क्राइबिंग द नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव पार्ट That इज accounts receivable और आप देख सकते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल का एक कोड है और सेल्स रेवेन्यू का दूसरा कोड है हमारे पास हमेशा अकाउंटिंग दो कोर्स या उससे ज्यादा कोर्स की बेसिस पे होती है और हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट के अमाउंट हमेशा बराबर होनी चाहिए जब भी आप अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करेंगे आप एज पर योर रिक्वायरमेंट अकाउंट रिसीवेबल का वो कोड इस्तेमाल करेंगे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है और इसी तरह सेल्स रेवेन्यू का भी आप वो वाला कोड इस्तेमाल करेंगे जो इस बिजनेस या इस ट्रांजैक्शन के लिए मोस्ट सूटेबल है मैं ये क्यों कह रहा हूं हो सकता है कि आपका सेल्स रेवेन्यू एक से ज्यादा स्ट्रीम या एक से ज्यादा तरीकों से आपके पास आ रही हो सेल्स ऑफ गुड सेल्स ऑफ सर्विसेज और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ प्रोजेक्ट ये आपको बेहतर पता है कि आपके पास ये रेवेन्यू कहां से जनरेट होके आ रहा है सो यू विल नो

जाहिर रिसीवेबल इसका मतलब है आने वाला है ये पैसे आपके पास आने वाले हैं। कहां से कस्टमर या क्लाइंट से कब आने वाले हैं वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन बताती है इन दिस केस टर्म इज दैट यू आर गोइंग टू बी पेड विद इन थर्टी डेज ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क और वो हमें कैसे पता चला वो हमें ऐसे पता चलता है कि अब आप स्क्रीन पे देखें एन थर्टी नेट थर्टी डेज के अंदर आपको पेमेंट आनी है और ये वो तरीक़ार है जिसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना अकाउंट रिसीवेबल इसी तरह क्विक बुक्स में जब आप डिफाइन कर देंगे कस्टमर्स को अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को तो सिस्टम आपसे प्रॉम्प्ट करेगा कि ये मैं अकाउंटिंग कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ इफ यू आर ऑल राइट विद डैट ऑटोमेटिकली ये ट्रांजेक्शन उस चार्ट ऑफ अकाउंट के कोड में एड अप हो जाएगी और ये पूरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली आपकी तमाम ट्रांजेक्शन्स और उसका डेटा सेव करती चली जाएगी इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी वॉट हैपन्स वेन देर आर सर्टन अकाउंट रिसीवेबल विच वी मे नेवर बी एबल टू कलेक्ट हो सकता है कि ऐसे भी पैसे हों जो हमारे कस्टमर से हमें ना आए उस केस में हमने क्या अकाउंटिंग एंट्री डालनी है और किस तरह प्रोसीड करना है वी विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन